Hello everyone, my name is Giriraj Yadav. Welcome to Pi Institute. Here is another important question from quadratic equations. Okay, तो कल अपन ने बात की थी कि जो discriminant होता है अगर वो equal to zero है तो equal roots होते हैं. अब इसका देखो उल्टा, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है फिर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स. अब इसने बोल दिया कि इन इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है. तो अपने को वो रूट्स इक्वल हैं तो फिर अपने को के की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, और अभी पिछली वीडियो में बताया मैंने कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो. जीरो होता है, ठीक है. इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या आएगा, ए की वैल्यू टू आएगी, बी की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू थ्री. ओके, वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू के मींस के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू टू इंटू सी की वैल्यू थ्री विच इज इक्वल टू जीरो. तो क्या आया, के स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर विच इज इक्वल टू जीरो. तो क्या आया, के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर. ओके, सो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर देंगे, ट्वेंटी फोर का स्क्वायर रूट और वो आएगा प्लस माइनस. तो क्या कर सकते हैं, ट्वेंटी फोर को कैसे लिख सकते हैं, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर. ओके, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर होता है और अपने को पता है क्या, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू होता है. तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा सिक्स. तो ये आ गई अपनी के की वैल्यू. अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो अपने को पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा, इस इक्वेशन से के की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ओके, तो पहले तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, तो देखो ये के एक्स है बाहर, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बना के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस टू से किया तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू के आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस टू के और सी की वैल्यू सिक्स. ओके, अब देखो इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होगा जीरो के. क्यों, क्यों इक्वल होगा, बिकॉज द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. क्योंकि जो ये गिवन इक्वेशन है उसके इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होगा. ओके, वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू के इंटू सी की वैल्यू सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ माइनस टू के का होल स्क्वायर कितना होगा, फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो फोर कॉमन ले सकते हैं एंड के. तो फोर के कॉमन लिया तो फर्स्ट में बचा के माइनस फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो. ओके, अब यहाँ देखो टू एक्सप्रेशन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आ रहा है जीरो. इट मीन्स या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है. तो क्या लिखेंगे, 4k is equal to 0 और k minus 6 is equal to 0. तो ये 4k is equal to 0, इससे तो आया k is equal to 0 और k is equal to 6 को उधर लेके गए तो k is equal to 6.
ओके okay? इस ऑप्शन को यहाँ पे अपन इनवैलिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी. ओके okay? तो अपना एक्चुअल आंसर है k इज इक्वल टू 6. ओके okay?